नमस्कार दोस्तों, कल मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि मैं पबजी मोबाइल में रेंगल मैप के 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूं, जिसके कारण कल वीडियोस मैं नहीं डाल पाया। और इस सीरीज की मैं चर्चा इस वीडियो में करूंगा। पहले ट्रिक पे आते हैं। जो ये सामने घर देख रहे हो, जैसे जुड़े हुए घर हो दोनों, तो अगर इस घर में कोई बंदा है तो आप इस घर में से उससे कैसे उस घर में जा सकते हैं, मैं इस ट्रिक के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए। इधर से भी इसमें कर सकते हैं और उधर से भी कर सकते हैं, दोनों साइड से, दोनों गेटों के पास से जाके आप ये ट्रिक कर सकते हैं। बस आपको एक अपना जंप लेना, जंप पे जो हल्का सा रेलिंग निकलता है ना, बस उस पर आना, फिर चलते चलते जाना बगल वाले घर में, फिर यहाँ से आप मार सकते हैं आसानी से बंदों को, चाहे इस घर में हो चाहे उस घर में, सेम ट्रिक ही आजमा सकते हैं आप आसानी से। ये कई जगह मिल जाएगा आपको, पुचिंकी वगैरह हर जगह मिल जाएगा, रोजॉक में या सियाना में ऐसे घर मिल जाएंगे। रोजॉक में नहीं मिलेंगे लेकिन या सियाना में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, अब अपने सीरीज की बात करते हैं। सो पांच सीरीज रहेगा, पांच में से चार हॉट ड्रॉप रहेंगे और एक पूरा रेंगल को कवर करेगा। सो दोस्तों, अब पहले हम अपने बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर, उसको बता देता हूँ। जो अगला ट्रिक हमारा प्रिजन में काम करने वाला है दोस्तों, प्रिजन में जो वेयर हाउस देख रहे हैं आप, इसके ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं। इससे फायदा ये रहेगा ना कि आपका जो ड्रॉप होता है कभी कभार अटक जाता है तो निकालने में फायदा होगा। आप इस जो टावर देख रहे हैं, छोटी सी टावर देख रहे हैं, इसके ऊपर चढ़ना है। पहली बार चढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट जंप लगाना है वेयर हाउस पे। बूम गाइस, देखो मैं इस पे आ चुका हूं, इस पे से डायरेक्ट वेयर हाउस पे जंप लगाना। जंप लगाने के बाद आप तीनों वेयर हाउस पे घूम सकते हैं और मैं आपको घूम को भी दिखाऊंगा। सो जो सीरीज रहेगा चार हॉट ड्रॉप का रहेगा दोस्तों, जैसे पोचिंकी हो गया, नोवो हो गया और जॉर्जियो पुल हो गया और मिलिट्री बेस हो गया। इनकी सीरीज मैं चालू करने वाला हूँ चारों हॉट ड्रॉप की, जिसमें से मैं इन्हीं सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक जिसकी सीरीज मैं करूंगा उसी चीज की मैं स्पेशल ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी गेम प्ले को बहुत ही सुधार देगी। और जो मेरा पांचवा सीरीज होने वाला है वो रेंगल मैप का होने वाला है दोस्तों। जो रेंगल मैप का होने वो सब मैं कवर करूंगा, स्कूल से लेकर प्रिजन से लेकर, मतलब सारी चीज कवर कर लूंगा इसमें। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की ओर। ये ट्रिक बहुत ही जमदार और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। सो दोस्तों, जो सामने घर देख रहे हैं, अगर स्कूल पे आते हो तो नॉर्मल फाइट हो जाती है, कोई बंदा उसमें रहता है और आपका टीम इसमें रहता है और दूसरा अपोनेंट उसमें रहता है। सो उसमें बिना नीचे सीढ़ियों से जाए आप डायरेक्ट उसमें कैसे जा सकते हैं, मैं इसमें बताता हूँ। स्कूल के छत पे आना, जो मेन स्कूल है, फिर उसके बाद इसके रेलिंग पे आना, फिर जंप लगाना, यहाँ से दौड़ते दौड़ते जाना, जंप लगाना, फिर लेस ग्रिप की मदद से बूम गाइस आप माफ करिएगा सीधा अंदर आ जाएंगे और यहाँ से बंदे को आसानी से किल कर देंगे। और बंदे कंफ्यूज रहेंगे कि आप आए कहाँ से, क्योंकि बंदे सीढ़ियों पे ध्यान देंगे ना कि विंडोज पे ध्यान देंगे। सो दोस्तों, मैंने सीरीज की बात की थी जो बताई थी। सो दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि इस सीरीज को मैं सिर्फ स्पेशल मतलब पार्ट में डिवाइड कर दिया। पूरा इरेंगल का अलग रहेगा, मतलब सारा चीज इरेंगल में जो है नॉर्मल वो कवर करने वाला हूँ, और जो हमारा नोवो का है, सो दोस्तों वो सिर्फ नो के अच्छी अच्छी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आप अगर हॉट ड्रॉप कभी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ट्रिक वो हेल्पफुल होने वाली है। और पोचिंकी की भी यही हाल है और जॉर्जियो पुल मिलिट्री बेस की, ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैं लाने वाला हूँ इनकी सीरीज में। और इनकी सीरीज दोस्तों कल से स्टार्ट होगी। सो मैं रोज एक वीडियो डालूंगा। सो दोस्तों, इस वीडियो अगर आप वो ट्रिक को और उस सीरीज को देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, मतलब आई मीन की आप उसे जानना चाहते हो उस सीरीज में कैसी ट्रिक्स आने वाली है, सो दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि मैं जैसे ही सीरीज की वीडियो डालूं और आपके पास चला जाए। और सो दोस्तों, अगर आप नए हो और वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, क्योंकि मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा लाता रहता हूँ। और सो दोस्तों, लाइक कर देना अगर लाइक कर चुके हो तो, या शेयर भी कर देना, क्योंकि आप एक लाइक और एक शेयर से एक यूट्यूबर्स की बहुत मोटिवेशन मिलती है और उसका थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। सो दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, परंतु अगर एक यूट्यूबर है उसकी बहुत हेल्प होने वाली है। सो उम्मीद करता हूँ सो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद। और एक और बात बता देना चाहता हूँ। सो दोस्तों, ये जो सीरीज है बहुत अच्छी होने वाली है, तब तक के लिए राम राम।